हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जाने वाले हैं राजगीर। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं राजगीर स्टेशन। अब हम लोग जाने वाले हैं ई रिक्शा पकड़ने। तो गाइस, हम लोगों ने राजगीर स्टेशन से ई रिक्शे को पकड़ लिया है। अब हम लोग जाने वाले हैं वाइल्ड लाइफ सफारी, और हमारे साथ हैं हमारे प्रिय मित्र आरिफ वाले। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं वाइल्ड लाइफ सफारी। यहां पर दूर दराज से लोग आए हुए हैं वाइल्ड लाइफ सफारी को देखने के लिए। स्टेशन से उतर के तो हम लोग आ चुके हैं वाइल्ड लाइफ सफारी में, जो कि मेरा दोस्त अभी टिकट काउंटर पे लगा हुआ है। अभी टिकट काउंटर ओपन नहीं हुआ है, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा ब्लॉग बना लूं। तो हियर वी गो। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, चिल कर रहा हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ सफारी के बस को पकड़ने के लिए। इसी बस पर बैठ के हम लोग वाइल्ड लाइफ सफारी जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग डियर सफारी घूमेंगे। ये जो गेट यहाँ पे है इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि बहुत सारे एनिमल होते हैं ना, जो हमारी गाड़ी को फॉलो करते हुए हमारे पीछे पीछे चले आते हैं, तो उन्हें इसी जगह पे रोका जाता है, तो उन्हें रिटर्न अपने एरिया में भेज दिया जाता है। राजगीर सफारी को पास सफारी में बांटा गया है। पहला है हैरी बोर सफारी, जिसमें हम लोग हिरण को देखेंगे। दूसरा है डियर सफारी, तीसरा लेपर्ड सफारी, चौथा टाइगर अपार्टमेंट लॉयन। ये पाँचों सफारी का सफर हम लोग बारी बारी करते हैं। आगे जाकर आप लोगों को कोई भी एनिमल दिखे, कोई भी जानवर दिखे, तो ज़्यादा शोर शराबा हल्ला नहीं कीजिए, ठीक है। अपने अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट आप रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे हिरन को ढूंढ रहे हैं, कहीं तो मिल जाए। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं हरामखोर, हनीमून भी नहीं मनाने देते हमको। ये रहे हिरन और बारसिंगा, और ऊपर बैठे हैं हमारे बंदर मामा। यहाँ पे क्या है ना, बंदर जो हिरन होते हैं ना, फ्रेंडशिप बना के रहते हैं। देखिए पेड़ पे चढ़ के ऊपर गिरा रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है। देख रहे हैं ना, हाँ। देखिए हिरन का सफारी खत्म होता है, चलते हैं बियर सफारी, जहाँ पे हम लोगों को भालू दिख सकते हैं। उनको भालू मिलेंगे। ये जो भालू होते हैं सर, इनका जो आगे का जो पैर होता है ना, बिल्कुल क्या करते हैं, हाथों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इस्तेमाल करके क्या करते हैं, पेड़ों पे चढ़ने का काम करते हैं। 75% जो भोजन होते हैं वो दीमा का चींटियाँ ही होती हैं, उन्हें खाकर क्या करते हैं, 75% का भोजन वो पूरे कर लेते हैं। रिमाइनिंग 25% बचते हैं ना, उसमें आगे गन्ने हनी ये सब इनको दी जाती है, इनको लेक रिटायर रूम से जो डेली खाने के लिए यहाँ पे ये चले जाते हैं। इस सफारी में सिर्फ दो भालू हैं, एक का नाम है जबरी और दूसरे का नाम है भोला। ये जो आप भालू देख रहे हैं, इनका नाम जबरी है। ये जो भालू है, इसका नाम भोला है। भोला अपने सेल से बाहर आ चुका है। ये जो भालू है, इन्हें मदारी भालू भी कहा जाता है। लगता है भोला दीमक और चींटी को खोज रहा है खाने के लिए। कभी पेड़ों की जड़ों से या फिर मिट्टी के अंदर से दीमक और चींटी को निकाल लेते हैं। इनके नाखून भी आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े हैं, जो इन्हें हेल्प करते हैं कि दीमक और चींटी को निकालते हैं। लेपर्ड सफारी, यहाँ पे हम लोगों को तेंदुआ देखेंगे। होते हैं ना वो सिलेक्टिव एनिमल, इन्हें अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ये जो जानवर होते हैं सर, ये झाड़ियों में छिपने में या पेड़ों पे चढ़ने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। इनकी जो नाइट विजन है, यानी कि रात में देखने की क्षमता, इंसानों से 7 गुना ज्यादा है, इसलिए ज्यादातर ये रात के समय ही शिकार करते हैं। और दिन पे क्या करते हैं, पेड़ पे चढ़ते आराम करते हैं या फिर उसके सोते हैं, यानी अपने वो अपने जीवन का 50% पेड़ ही व्यतीत करते हैं, पेड़ ही बिताते हैं। ये क्या है ना सर, ये अपने से 3 गुना वजन वाले को भी शिकार करते हैं।
He's very aggressive animal. दिखा सबको? Yes, yes. इन्हें साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है. साइलेंट. ये क्या करते हैं? हेलो मिस्टर इंडिया साहब, गायब मत होना, थोड़ा सा मोटे हो गए, थोड़ा जिम करो. एक फैमिली का बिल्ली प्रजाति का सबसे स्मार्ट और सबसे स्मार्ट जानवर होते हैं. ये भी कैटी फैमिली का, इसको कैट भी काट दी. ये आप देख सकते हैं वाइट टाइगर एकदम आराम से विश्राम कर रहा है. ये जानवर बहुत ही रेयर पाए जाते हैं. जंगल के राजा को देखते हैं, सोशल एनिमल होते हैं, यानी कि मिलजुल कर रहना ही पसंद करते हैं. जैसे कि क्या है, लेपर्ड हम लोग अकेले देख लिए, अकेले अकेले टाइगर अकेले देखे, मगर ये ऐसा नहीं होता. आपको ग्रुप में ही दिखेंगे, परिवार के. ठीक है, यहाँ पे पास है, यानी सोशल का मतलब ही हुआ सामाजिक जानवर. जब भी दिखेंगे तो मिलजुल कर ही मतलब रहने के लिए देखेंगे. ना 95% तक फीमेल ही करते हैं गान में सर. जो 95% जो शिकार करती है ना, वो फीमेल ही करती है. फीमेल करती है, यानी कि मेल से ज़्यादा एक्टिव होते हैं ये फीमेल. अगर इनको हम लोग राजा कह रहे हैं ना, तो इनका सारा क्रेडिट जो है शेरनी को जाता है. ये जो वाइल्ड लाइफ सफारी है, ये दो पहाड़ों के बीच में है. सो फाइनली हम लोगों ने शेर और उसके परिवार को देख लिया, यानी शेरनी को. बहुत ही एक्टिव लग रही है. लोग जू सफारी घूमी है, और मैं इतना कहना चाहूँगा कि जू सफारी बहुत ही बढ़िया था. पूरा पैसा वसूल था, 250 के करीब में लगा, मगर बहुत ही बढ़िया था. ये हम लोग घूम रहे हैं जू सफारी, वाइल्ड लाइफ सफारी में. सफारी इतना एडवेंचर था, सब हम लोग ने एनिमल्स को देखा. एनिमल्स बहुत प्यारे थे. हम लोगों ने फर्स्ट हम लोग सबसे गए थे, और उन्होंने सब काम किया. राजगीर से रिलेटेड ब्लॉग को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें.